नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 26 जनवरी के हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धर दबोचा है दीप सिद्धू को। बता दें, 1 लाख का इनामी था दीप सिद्धू। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार चल रहा था लगातार। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू सहित 4 आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये बड़ी सफलता मिली है और दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जनवरी को लाल किले पे जो हिंसा हुई थी, उसका मास्टरमाइंड था दीप सिद्धू। बता दें, केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो है दिल्ली में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसके बीच पुलिस ने 26 जनवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी अपडेट न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर और बता दें कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी जो हुई है, उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मायने हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश का खुलासा भी हो सकता है। विदेशों से चल रही साजिशों का खुलासा जो है वो हो सकता है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद। आंदोलन में सक्रिय रहे कई चेहरों का सच जो है वो सामने आ सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जो साजिश अगर रची जा रही थी, उसका भी खुलासा यहां पर हो सकता है। दीप सिद्धू पुलिस के सामने कई अहम और बड़े खुलासे कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दीप सिद्धू को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद हो सकता है कि कई अहम खुलासे दीप सिद्धू कर दे।